गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण में है क्रिया और जो लेसन नंबर है 11। हम आपको आज क्रिया के बारे में बताएंगे। तो क्रिया की सबसे पहले प्रयोग, क्रिया का मतलब कार्य करना, क्रिया का मतलब कार्य करना। तो कार्य करना, यहां पर हम परिभाषा लिखें, जिस शब्द से, ध्यान से देखेंगे, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से, वाक्य में ऐसा कोई शब्द होगा जिससे हमें यह पता चले कि कार्य हो रहा है या उसका होना समझा जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं यहां पर, विमला स्कूल जा रही है, विमला स्कूल जा रही है। तो आपको यहां ध्यान देना है कि सबसे पहले देखो, विमला तो हो गई यहां पे कर्ता, ठीक है। यहां पर कार्य का कौन सा शब्द ऐसा है जो कार्य का बोध करा, जा रही है, कुछ कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। तो ये जो ऊपर परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी, ऐसा ये शब्द है, इस शब्द से किसी का काम का करना या होना समझा जा रहा, हमें पता लग रहा है कि विमला क्या कर रही है, ठीक है, जो स्कूल जा रही है, तभी जाके जब ये शब्द होगा, नहीं तो विमला स्कूल इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर ये शब्द हमें क्रिया जो है, जो कार्य करने का बोध हमें करवा रही है, अगर ये नहीं होता तो हमारा वाक्य भी पूर्ण नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले देखो, क्रिया के जो है, क्रिया के मुख्यतः जो है वो दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सबसे पहले किसके आधार पर होगा, कर्म के आधार पर होगा, कर्म के आधार पर, और दूसरा जो होगा वो होगा संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना या फिर क्या बोल सकते हैं आप, रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर आप इसको कह सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि हमें कर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और संरचना के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती है। कर्म के आधार पर हमारे पास जो है वो दो प्रकार की क्रिया है मुख्यतः। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, और दूसरा नंबर जो होगा हमारे पास आक्रमक क्रिया। तो अब हम सबसे पहले सकर्मक के बारे में और आक्रमक के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले है सकर्मक क्रिया। देखो, साथ का मतलब होता है साथ चलना, कर्म, जिसके साथ कर्म चले। सीधे सीधे सिंपल परिभाषा हो सकती है कि जिसके साथ क्या है, कर्म चले, वो क्या कहलाते हैं, सकर्मक क्रिया। या फिर सकर्मक से अभिप्राय यह है कर्म के साथ, सकर्मक से अभिप्राय क्या है, कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म प्रयुक्त होता है, जिन क्रियाओं में क्या कर्म प्रयुक्त होता है या कर्म साथ साथ चलता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं यहां पर, एक गौरव पात्र लिखता, गौरव पात्र लिखता है, हमने लिखा है, क्या लिखा, गौरव पात्र लिखता है। तो गौरव क्या है, इसमें ध्यान देंगे आप, गौरव क्या है, कर्म, ठीक है। अब जो लिखता है, ये जो शब्द है ये क्या है, मैंने आपको बताया, अगर कोई काम करने के लिए कुछ कोई शब्द बोध करवा रहा है तो क्या कहलाती है, क्रिया। लिखता क्या है, क्रिया। अब जो ये पात्र है, जिस क्रिया का पद जिस शब्द पे पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो पात्र क्या हो जाएगा, इसमें कर्म हो जाएगा। तो जिन वाक्यों में कर्म साथ साथ चलेगा, जिन वाक्यों में कर्म साथ साथ चलेगा वो क्या कहलाएगा, सकर्मक कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो सकर्मक है इसके भी दो पार्ट है, एकर्मक। एकर्मक में तो ये आ जाएगा कि एक कर्म है,
लेकिन द्विकर्मक भी आता है इसमें, तो दो कर्म, जिस वाक्य में दो दो कर्म चले, अब दो दो कर्म चलने के लिए आप लिख सकते हैं इसमें अध्यापक नहीं। दूसरा जो उदाहरण दे रहा हूं, अध्यापक, अध्यापक ने छात्रों को, छात्रों को हिंदी पढ़ाया। आप ध्यान दो, हमने अभी आपको लिखा, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने लिखा अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है इसमें, अध्यापक, सीधे छांटेंगे आप, कर्ता क्या है, अध्यापक, ठीक है। इसके बाद जो क्रिया है, कौन सा ऐसा शब्द है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो कौन सा शब्द है, पढ़ाई, क्या है ये, क्या कहलाएगा, क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब क्या है इसमें, कर्म दो है इसमें, देख अध्यापक ने किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। वैसे सकर्मक में यहां पर प्रश्न भी बनता है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सकर्मक में एक और चीज ऐसी जो सरल चीज है, आप लिख सकते हैं यहां पे प्रश्न चिन्ह आएगा, जैसे गौरव क्या लिखता है, तो उत्तर वही मिल जाएगा, गौरव पत्र लिखता है। अरे बात समझ, सेम वैसे यहां पे भी छात्र, अध्यापक ने किसको, एक क्वेश्चन बना, अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई, तो उत्तर आएगा अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब दूसरा जो कर्म है यहां पर देखो, हिंदी क्या है, अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया, देखो क्या पढ़ाए, तो हिंदी पढ़ाए। तो ये दो दो कर्म है यहां पर, ये भी कर्म है और छात्र भी कर्म है। तो ऐसे वाक्य जिनमें दो दो कर्मों से द्विकर्मक कहते हैं और जिसमें एक कर्म हो उसे एककर्मक। अब है अकर्मक, आ मतलब नहीं, कर्म जिसके साथ कर्म न चले, अकर्मक का मतलब, अकर्मक से अभिप्राय है बिना कर्म के, आ मतलब नहीं, बिना कर्म के साथ, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने यही लिख देते हैं कि गौरव, गौरव लिखता है, है। अब हमने कर गौरव लिखता है, इसमें कर्म नहीं, गौरव क्या लिखता है कुछ पता नहीं, प्रश्न बन नहीं रहा। दूसरी बात का, ये क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है, इस क्रिया का फल सीधा किसमें पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, तो अगर ऐसा कहीं वाक्य होगा तो उसे अकर्मक कहेंगे, क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था हमारे पास, एक तो कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर हमने सकर्मक को आक्रमक बता दे, अब हमारे पास आता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के जो है वो छह भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, छह भेद, ये ध्यान रखना आपको, संरचना के आधार पर छह भेद और कर्म के आधार पर दो भेद, और एक जो अष्टा है उसमें द्विकर्मक वाला है उसको आप गिनेंगे नहीं, लेकिन वैसे कर्म के आधार पर दो प्रकार के ही होते हैं। अब हमें सबसे पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, वाक्य में जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो वहां सामान्य क्रिया कहलाता है, जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो। मैंने कहा उदाहरण के तौर पर लिखता है, लिखो यहां पर मैंने, मैंने रोटी, मैंने रोटी खाई, उदाहरण लिखा हमने, क्या लिखा मैंने, मैंने रोटी खाई, तो इसमें क्या है, ये जो खाई है ये क्या है, क्रिया है, ये कह रहा था जहां वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, ठीक है, तो इसमें केवल खाई एक क्रिया है, कर्म रोटी है और पर जो करता है वो मैं पुरुषवाचक बना, ठीक है। इसके बाद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में अपना पता लग रहा होगा आपके कि एक तो सामान्य हो रही है और एक संयुक्त हो रही है। संयुक्त क्रिया में जहां दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते, दो से अधिक भी हो सकते, धातुओं से, यहां ध्यान रखना, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई क्रियाओं का साथ प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में मैं लिख सकता हूं यहां पर सीमा, सीमा किताब पढ़ चुकी,
सीमा किताब किताब पढ़ चुकी सीमा किताब पढ़ चुकी। अब ध्यान दो इसमें क्या है, यहां जो है क्रिया दो प्रकार से चल रही, दो दो क्रियाएं चल रही, जैसे पढ़ यहां पे देखो सीमा कर्ता किताब कर्म पढ़ एक क्रिया सहाय क्रिया उसके साथ चुकी, मतलब दो दो क्रिया सीमा किताब पढ़ ये तो सिद्ध प्रेरणा तक हो गया या फिर क्या उसका नाम आदेश हो गया, लेकिन चूंकि काम कर चुकी है पढ़ चुकी है क्रिया कर चुकी है तो यहां पर यह सहायक क्रिया होगी, दोनों क्रियाएं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मीरा पत्र लिख रही है, देखो मीरा पत्र लिख रही है तो लिख भी अलग है और रही है तो एक क्रिया मुख्य क्रिया है और उसके साथ क्या है सहायक क्रिया है। शीला बाजार जाती है, देखो बाजार जाना जाती है, जाती एक क्रिया और है उसके साथ सहायक क्रिया। इसके बाद तीसरा जो है वो नाम धातु क्रिया पढ़, उसने कहा था यहां पे थोड़ा ध्यान दो, उसने कहा था कि धातुओं से बने तो पढ़ के क्या बन जाएगा यहां पे पढ़ जो ये धातु है, पढ़ क्या है धातु है इसका क्या बन जाएगा पढ़ना, क्रिया क्या बन जाएगी पढ़ना, तो पढ़ क्या है एक धातु है ठीक है, लिख क्या है धातु है ठीक है, हंस क्या है धातु है, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। नाम धातु क्रिया में क्या होगा, मूल धातुओं को छोड़कर मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्द संज्ञा होगा सर्वनाम होगा विशेषण होगा आदि इसमें प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं जैसे दुख, यहां पे ऐसे करो मीरा दुखी है, ऐसा लिख दिया, जैसे आपने क्या लिख दिया मीरा दुखी है या दुखी हो गई, ऐसे लिखो मीरा दुखी हो गई तो क्रिया क्या है। अब देखो यहां पे ये जो दुखी है ना ये कैसे बना, दुखी दुख क्या है एक विशेषण है, दुख क्या है विशेषण है और इस विशेषण से क्या बनाया हमने ई प्रत्यय लगाकर, ध्यान देंगे आप दुख धन ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया दुखी, ई प्रत्यय लगाकर क्या बनाया इसमें दुखी ठीक है। इस प्रकार आप जैसे अपना है तो आना प्रत्यय लगाकर क्या बन सकता है इससे अपनाना, आप यहां पे भी लिख सकते हैं अपना क्या है सर्वनाम है, अपना क्या है अपना देखो अपना क्या है सर्वनाम है और इसमें आना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर आना प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा अपनाना अपनाना, देखो ये भी क्या होगी नाम धातु क्रिया होगी। शर्म शर्म का क्या बन जाएगा शर्म ठीक है, हाथी हथियाना ठीक है, क्या उसका नाम, ये सारे नाम धातु क्रिया है ठीक है। इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक जिस क्रिया शब्द पद से यहां पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है, अर्थात आप समझ सकते हैं कार्य को किसी अन्य से करवाया जाएगा उसे प्रेरणा क्रिया कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, कार्य स्वयं करता अपने आप नहीं करेगा दूसरे से करवाएगा उसे क्या कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने आपको कहा छात्रों आप पढ़ो, ये छात्रों से पढ़ाया जाता है तो अपना आप मैं कार्य नहीं करूंगा मैं तुमसे कार्य करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया में एक उदाहरण आप मैं लिखूंगा, वहां अपनी दीदी से पत्र लिखवाता है, हमने क्या लिखा वह अपनी दीदी से पत्र पढ़वाता है या लिखवाता है लिखवाता है। तो देखो वह जो सर्वनाम है वह जो करता है अपने आप में वह अपने आप कार्य नहीं कर रहा, किससे करवा रहा है दीदी से कार्य करवा रहा है, तो कहने का मतलब यह हो सकता है ऐसे नहीं माँ क्या है नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है, ये जो कार्य होगा या फिर ऐसा हो सकता है राम माली से पौधों को पानी दिलवाता है तो अपने आप कार्य नहीं करेगा दूसरे से कार्य करवाएगा तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे मूल क्रिया हंसना है
तो हंसना का प्रेरणार्थक क्या बन जाएगा? हंसाना। एक इसमें तीन प्रकार चीजें चलते हैं, थोड़ा उसको ध्यान दीजिए आप। एक होता है एकर्म मतलब मूल क्रिया, एक तो होते यहां पर हमने लिखा मूल क्रिया, मूल क्रिया। दूसरा क्या है इसमें? प्रथम प्रेरणार्थक, फर्स्ट प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। इसमें दो प्रकार चलेंगे, सेकंड प्रेरणार्थक मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहां पर हमने लिखा यहां पर फर्स्ट प्रेरणार्थक और सेकंड प्रेरणार्थक। ये क्योंकि दो प्रकार होंगे ना, इसके दो चीजें चलेंगी। तो जैसे मूल क्रिया में क्या है? हंसना। मूल क्रिया में क्या आएगा? हंसना। ये तो एक मूल क्रिया है। अब क्या है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में? हंसाना। क्या बन जाएगा इसका? हंसाना। ये प्रथम में आएगा। और दूसरे क्रिया में क्या आ जाएगा? दूसरे प्रेरणार्थक क्रिया में हंसवाना। क्या बन जाएगा? हंसवाना, हंसवाना। वैसे यहां पे पढ़ाना पढ़वाना, लिखाना लिखवाना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे चलाना चलवाना, ठीक है, पढ़ाना पढ़वाना, या फिर नाचना नचवाना, या भुलाना क्या उसका भूनना और भुनवाना, ठीक है, डुबाना और डुबवाना। तो इस प्रकार से आप प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में चल बना सकते। इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के मुख्य क्रिया से, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वहां मैं उदाहरण दूंगा यहां पे, जैसे जैसे वहां, जैसे वहां हाथ मुंह धुलकर, हाथ मुंह, जैसे वहां हाथ मुंह धोकर बैठ गए, हाथ मुंह धो कर बैठ गई। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मुख्य क्रिया क्या है? देखो वहां हाथ मुंह धोकर, धोकर क्या है यहां पर? क्या है मुख्य क्रिया है? ये क्या है? मुख्य क्रिया। और इसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। बैठ गई है उसके साथ सहायक क्रिया। तो जो क्या है गाकर या फिर उसको धोकर बैठकर खाकर पीकर आदि इस रूप में जो जहां जो ऐसे प्रत्यय लग जाते हैं वहां पे, या आज ऐसा आप लिख सकते, वहां विद्यालय से जाते हैं आप कह सकते वहां विद्यालय से आते ही सो गया। तो यहाँ पे तात्कालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें? मुख्य क्रिया धोकर और सहायक क्रिया क्या है? बैठकर। अतः पूर्वकालिक क्रिया और सहायक, ठीक है ना, जो मुख्य क्रिया है वहीं पर क्या उसे पूर्वकालिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। या हो सके आप, मैंने आपको बताया अभी कि गाकर, हो सके आपने लिखा कि वहां गाना गाकर बैठ गई, वहां गाना गाकर सो गई, तो गाना गाकर मुख्य क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी, उसके बाद उसने क्या किया? दूसरी क्रिया करना शुरू कर दिया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद है तात्कालिक क्रिया। जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया आती है, पहली मुख्य क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया आती है, तो पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यालय से आते ही सो गया, तो यहां आते ही तात्कालिक क्रिया कौन सी है? विद्यालय से ही यहां पर तात्कालिक क्रिया क्या हो गई? आप देख सकते हैं वहां विद्यालय से, विद्यालय विद्यालय से आते ही, आते ही सो गया, वहां विद्यालय से आते ही सो गया। तो यहां पे आते ही जो है, देखो आते ही यहां पर क्या है? तात्कालिक क्रिया, अभी अभी किया, वो विद्यालय से आया और उसके बाद सो गया, तो सोने से पहले उसने जल्दी जल्दी कौन सी क्रिया करी? आते ही, मतलब विद्यालय से आते ही सो गया। तो ये आते ही क्या बन जाएगा यहां पर? तात्कालिक क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तात्कालिक क्रिया, ठीक है। अगर यहां पर सहायक क्रिया के बाद पहली क्रिया आ रही तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया, और यहां पर जो जल्दी जल्दी कार्य हो रहा है वहां पर क्या? यहां तो धोकर बैठ गई उसने अपने आप के, लेकिन यहां आते ही, यहां ऐसा नहीं कि वह विद्यालय से आकर सो गया, आकर नहीं, यहां आते ही सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं जान सकता हूं कि आपने क्या क्रिया को अच्छी तरह समझा होगा।